अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अवर चैनल कुकिंग विद किड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबकी फरमाइश पे फ्राई कलेजी की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, तवा कलेजी की रेसिपी। ये बहुत जल्दी और झटपट क्विक रेसिपी है, जिसका कभी दिल चाहता है कि भाई बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट सी रेसिपी हो और हम फौरन से बना लें, तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हैं, नोट कर लें। बाकी के लिए आप लोग की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स और मेथड मैं लिख देती हूँ। कलेजी के तो बहुत से फ़ायदे हैं, आपको पता है। ये सोर्स ऑफ आयरन है, फुल ऑफ ब्लड आपके, जिसके अंदर जिगर काम नहीं करते कहते हैं उसको कलेजी खिलाएं। खून की कमी वालों के लिए भी कहते हैं कलेजी खाने ज़रूरी होती है, या आयरन की जिसकी लेवल कम हो तो उसके लिए भी। तो कलेजी जो है अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे खाएं, ईद या बकरीद पे खाएं, आप उसके अलावा भी रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो सिरका था वो मैंने इसमें कलेजी में डाला और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। सिरके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है कलेजी की, और इसको गलने में जो है वो मदद करती है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया था वो शामिल करा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया हम और लेंगे, और इसे मैंने तवे पे भूना और वो भी इसमें शामिल करा है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है वो इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो शामिल करेंगे, और 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करेंगे। अगर किसी को कुटी हुई लाल मिर्चों से एलर्जी है तो वो पिसी हुई लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकता है इसके बदले में। यहाँ पर 1/2 किलो कलेजी है बकरे की मेरे पास, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो कलेजी की बोटियों में अच्छे से लग जाए। और हम इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अदरक लहसुन और वेनेगर से जो है ये जल्दी से गल जाएगी। इसमें मैंने नमक शामिल नहीं करा है, नमक हम बीच में शामिल करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, रेसिपी फुल देखा करें, बीच में आपको बहुत से अच्छे से यूज़फुल मैं टिप्स बताती रहती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, और एक पैन के अंदर हम 4 टेबल स्पून तेल लेंगे, और उसके अंदर जो हमारी 1/2 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके रखी थी कलेजी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया है तो इसकी वाइट सा इसका कलर होने लगा और इसने पानी छोड़ दिया। देखें अब यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि ये जो पानी है ये हाफ़ हो जाए। जब यहाँ पर पानी हाफ हो जाएगा फिर हम इसको कवर करके लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए सिर्फ बस मैं इसको ढक के पकाऊंगी ताकि कलेजी जो है वो भाप में थोड़ा सा गल जाए। वैसे तो ये तवा कलेजी है, इसे हम देखें बार बार इसको मैं फ्राई के तौर पे इसको चमचा चलाती जा रही हूँ ताकि इसका जो मसाला है वो इसमें लगता चला जाए। अब देखिए यहाँ पर पानी जो है वो हाफ हो गया था, उसके ढक के जब मैंने ढक्कन हटाया तब भी हल्का सा पानी बाकी है। अब मैंने इसमें नमक शामिल करा क्योंकि इस वक्त जो है ये गल चुकी है। जब ये बिल्कुल गल गई थी उसके बाद हमने इसमें नमक डाला। नमक बीच में इसलिए नहीं डाला, अगर हम नमक बीच में डाल देते तो ये जो है गलने में थोड़ा टाइम लेती और ये अकड़ जाती है नमक डालने से। अब इसके बाद मैंने जब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया तो हरी मिर्चें डाली हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, और इसको मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो इसकी खुशबू और इसका जो एक जायका है वो भी कलेजी के अंदर आ जाए हरी मिर्चों का। देखिए आप, मसाला बिल्कुल भुन चुका है और अब कलेजी के अंदर अच्छे से लग रहा है, और बार बार चमचे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से कलेजी में मसाला निकलता जाए और कलेजी के ऊपर लगता चला जाए। यही तवा कलेजी की मेन जो इसकी जो होता है जायका वो यही होता है कि हमें मसाले को बार बार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, ताकि मसाला जो है बोटियों के अंदर लगता चला जाए, फ्राई होता जाए और लगता चला जाए। देखें कितनी मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी रेडी है। नींबू के साथ इसको ज़रूर खाएं, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपके साथ जो हूँ रेगुलर शॉर्ट वीडियोज़ डालती रहती हूँ, आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।